बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जावेद राखीज़ार और आपको राखीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट चैनल्स पर डिस्कस करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि कैसे आप अपने कंपेटिटर को, अपने राइवल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने साथ, कि अगर वो आपका राइवल, आपका दुश्मन, आपके जो आपका मुखालिफ चैनल है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो क्या स्ट्रेटजीज हैं उसकी, कि उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, उसकी बिज़नेस स्ट्रेटजीज क्या है कि आप भी उसको फॉलो करके तो आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, राइट। ये दो चैनल्स हैं, हमने रैंडम लिए हैं इनको, रैंडमली। एक रूबिका किचन है और दूसरा किचन विद आमना। ये दोनों चैनल हमने फूड से लिए हैं, सेम इंडस्ट्री से। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि इनमें ये चैनल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं और इनके क्या व्यूज़ कहाँ से इनको मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। कि सबसे पहले आपको हम रूबिका किचन, ये चैनल है इनका, इनके 4.54 मिलियन 45 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इनको टिक मार्क मिला हुआ है, वेरीफाइड टिक मार्क। ये जो टिक मार्क मिलता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है, राइट। और अब हम इनमें जाते हैं इनके अबाउट सेक्शन में। देखिए, इनका चैनल बना है July 24, 2017 को। इसका मतलब है 17 से 18, 19, 20, 21 तकरीबन इनको 4.5 ईयर्स हो चुके हैं, 4.5 साल हो गए, राइट। और इनकी वीडियोस ये देखिएगा, ये सब कुछ आपको हम इसका एनालाइज करके बताते हैं कि इनके व्यूज़ हैं, ये तकरीबन हर दिन एक वीडियो बना रही हैं और इनके वीडियो का एवरेज टाइम तकरीबन 10 मिनट के करीब है हर वीडियो का, कोई 8 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 11 मिनट। तो एवरेज टाइम अगर हम सपोज करें तो वो दैट इज़ 10 मिनट्स। उसके बाद हम दूसरा चैनल देखते हैं, किचन विद आमना। ये उनका किचन विद आमना है और ये भी तकरीबन हर रोज़ एक वीडियो बना रही हैं। इनका एवरेज टाइम 5 मिनट के करीब है, राइट। और इनके हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं कि इनका सेक्शन ये क्या कहते हैं अबाउट सेक्शन में। इनका चैनल तकरीबन हुआ शुरू June 4, 2016। इनको तकरीबन 5.4 मंथ्स, इनको 5 ईयर्स एंड 4 मंथ्स हो चुके हैं इनको। तो अब इनको हम आपको एक चार्ट की सूरत में लेकर जाते हैं कि इनको एनालाइज करते हैं कि इनका चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सबसे उससे भी पहले हम आपको बताएंगे कि ये कितनी आमदनी कमा रहे हैं, राइट। देखिए, एक वेबसाइट है socialblade.com, आप ये देखिए आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है socialblade.com। ये दुनिया की बड़ी वेल नोन एजेंसी है जो कि रैंकिंग करती है, रेटिंग करती है चैनल्स की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब का ये रैंकिंग करती है कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, उसका रैंक क्या है। तो ये सोशल ब्लेड बड़ा इफेक्टिव है, तो आप भी इसमें कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जाके इधर लिखा, सिर्फ टाइम बचाने के लिए हमने ऑलरेडी ये बना लिया। तो आप इधर जाके लिखिएगा कि लेट्स से रूबिका किचन, ये किया तो ये आ जाएगा। आप इसको सर्च कीजिएगा, जब प्रेस करेंगे तो ये रूबिका किचन आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए कि इनके चैनल की थोड़े से स्टैट्स हम देख लेते हैं। इन्होंने 928 इन्होंने अपलोड्स की हैं, इसका मतलब है कि इतनी वीडियोस इन्होंने अपलोड की हैं। इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 4.5 मिलियन 45 लाख के करीब। उसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है, ये आप नोट कीजिएगा, हम बाद में आपको बताएंगे कंट्री इनका US है, राइट। ये भी इनका झंडा नज़र आ रहा है कि इसमें इतनी रैंकिंग है, ये हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इधर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि इनका जो चैनल है उसकी आमदनी क्या है, इनकम एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स, हर महीने इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग। तो आप भी किसी भी चैनल की अर्निंग इधर से निकाल सकते हैं। तो ये है $2.9K, यानी कि $2,900, ये मिनिमम रेंज है, राइट। और ये मैक्सिमम रेंज है 46,700, तो ये मैक्सिमम रेंज है। उसके बाद आ जाइए किचन विद आमना। तो सिमिलरली आप इधर जाके सर्च कीजिए किचन विद आमना, हम ऐसे करेंगे किचन विद आमना, तो ये किचन आ जाएगा। इसको इधर क्लिक कीजिएगा सर्च बटन को, तो आपको किचन विद आमना पे वो ले जाएंगे। तो अब ये देखिए इसके चैनल में, अब देखिए कि 1127 अपलोड्स हैं, इनकी वीडियोज़ हैं हुई हैं, इन्होंने अपलोड की हैं। इनके 4.14 यानी कि तकरीबन 40 लाख 14 हज़ार के करीब इनके व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी।
और ये देखिए कंट्री इनका क्या है, पी के पाकिस्तान, तो ये इनका है। और ये देखिए ये पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आ रहा है, राइट। तो ये पाकिस्तान से है और वो यूएस से है। इनकी आमदनी देखिए मंथली एस्टिमेटेड मंथली इनकम, ये नीचे एनुअल भी दी हुई है, ईयरली इनके वो हमने उसको हम नहीं करते, मंथली पे आते हैं कि $1,200 और मिनिमम है और 19,500 डॉलर ये मैक्सिमम है। तो हम एक कंपैरिजन इनका आप करके दिखाते हैं कि अब हम एक्सेल में जाते हैं। देखिए हमने एक एक्सेल में एक कंपैरिजन बना के आपको दिखाया हुआ है। ये जी देखिए ये है किचन विद आमना, राइट, और ये वाला है रूबी का किचन। हम पहले देखिए कि इनको साल कितने हो गए, 5.5 साल इनको हो गए हैं। हम ये डाटा पहले से इसको करके रखा हुआ है ताकि टाइम बचे। उसके बाद अलावा इनका रूबी का किचन है 4 ईयर्स, इनको 4 साल हुए, यानी कि 1 साल 1.5 साल कम, ये 1.5 साल सीनियर चैनल है। अच्छा जी, अब इनके अपलोड जो वीडियोस की हैं वो 1126 की हैं, 1100 के करीब इनकी वीडियोस हैं। इनकी वीडियोस हैं 927, जाहिर है 1.5 साल कम है तो इनकी वीडियोस भी कम है। सब्सक्राइबर्स इनके 4 मिलियन है, 40 लाख, और इनके कितने, 45 लाख। तो रूबी का किचन जो है सब्सक्राइबर से 5 लाख तकरीबन इनसे ज़्यादा है। हम राउंड कर रहे हैं फिगर्स को, तो ये इनको 1.5 साल पुराना है लेकिन इनके 5 लाख सब्सक्राइबर ज़्यादा है। तो इधर सुपीरियर कौन है, आगे कौन है, रूबी का किचन जो चैनल है वो आगे है। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया इनकी चैनल कब शुरू हुआ, इनकी वीडियोज इन्होंने कितनी अपलोड की और इनके जो है वो कितने हैं सब्सक्राइबर। इसके अलावा एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इनके व्यूज़, इनके व्यूज़ देख लेते हैं कि किचन विद आमना के व्यूज़ हैं। कॉपी कर लेते हैं हम और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये क्या है जी, ये व्यूज है। इसी तरह ये हम रूबी का किचन को भी देखते हैं कि इनके कितने व्यूज हैं, रूबी का किचन, ये जी इनके व्यूज हैं, ये आ देखते हैं। तो रूबी के किचन के व्यूज हैं ये हैं। अब ये जी ये व्यूज हैं ये 70 करोड़, मैं हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि वो मिलियंस में है, वो 704 मिलियन है। ये 70 करोड़ इनके व्यूज़ बनते हैं और इनके तकरीबन 56 करोड़ व्यूज़ बनते हैं इनके, इनके 567 मिलियन। तो इनके व्यूज़ भी कम है और इनके क्योंकि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, राइट। तो अब आज आगे आ जाइए इनकी आमदनी। अब देखिए इनकी आमदनी है 1200 मिनिमम डॉलर, और इनको 170 का रेट लगाया तो 204, 2,04,000 इनकी आमदनी बनती है पर मंथ मिनिमम रेंज। अब रूबी के किचन को देखिए, इनके 2900 डॉलर हैं, इनके 1200 थे, इनके 2900 यानी कि डबल है। तो इनके 170 का रेट लगाया डॉलर का एज्यूम करते हैं तो 493, इनके 5 लाख के करीब इनकी आमदनी है। इसका मतलब है कि ये सब्सक्राइबर भी इनके ज़्यादा हैं रूबी के किचन के, और इनके व्यूज़ भी ज़्यादा है, और इनको क्या मिला, इनकी आमदनी भी ज़्यादा है, डबल है इनकी, राइट। उसके बाद आ जाता है ये मैक्सिमम रेंज है कि 19,000 डॉलर है और इनका तकरीबन 3 to 3.2 मिलियन, 32 लाख इनको इनकी आमदनी इन्होंने कमाई है या इस तक गए हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है कि इनका मैक्सिमम देखिएगा, इनके 46,000 डॉलर और 170 का रेट लगाया तो 78 लाख तक ये गए हैं। रूबी ने कितना कमाया, 78 लाख मैक्सिमम पर मंथ कमा चुकी हैं या कमाने के करीब हैं या कमा रही हैं, मैक्सिमम रेंज है कि इधर तक ये जा सकती हैं। इनका है 32 लाख, तो ये भी डबल है, राइट। रूबी का किचन इधर भी इनकम वाइज भी सुपीरियर है आमना से। तो इधर हम वीडियोस को एनालाइज कर लेते हैं कि ये देखिए कि इनके 1100 इनके अपलोड्स हैं और इनकी 900 इनके कम हैं, क्योंकि ये चैनल जो आमना का किचन है, किचन विद आमना, ये सीनियर है 1.5 साल, इनको 5.5 ईयर्स और इनको 4 ईयर्स, राइट। इन्होंने अगर हम इसको डिवाइड करें कि लेट से इनको कि इन्होंने कितनी 1 साल में कितनी वीडियोज़ बनाई, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1100 को 5.5 पे, तो 200 व्यूज 1 साल में बना रही है। तो इसको फिर 200 को 12 मंथ पे डिवाइड करेंगे, 12 मंथ्स पे, तो ये पर मंथ निकला है 17 वीडियोस 1 महीने बना रहे हैं, राइट। इसी तरह
ये 225 वीडियोस एक साल में बना रही हैं, ये कितनी बना रही हैं 200, राइट। तो इधर आ गया कि ये ज़्यादा बना रही हैं, और ये एक मंथ में 17 और ये 19 वीडियोस बना रही हैं, राइट। आपने भी इस तरह एनालाइज करना है। अब डेज पे आ जाए, देखिए एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से अगर ये 13 दिन ऑफ करती हैं तो 17 वीडियोज़ बनती हैं, 17 दिन काम करती हैं तो ये 17 वीडियोज़ ये देखिए बनती है। इसका मतलब 13 दिन ये ऑफ करती हैं और बाकी 17 डेज ये काम करती हैं, 17 वीडियोज़। इसी तरह ये 11 ऑफ करती हैं 30 दिनों में से और 19 वीडियोस बनाती हैं, राइट। वो सैटरडे संडे भी हो सकता है और उसके अलावा कोई और ओकेजन भी आ जाता है, या कहीं बिजी होते हैं, कोई फंक्शंस वगैरह, या कोई बीमार हो जाता है, अल्लाह ना करे। तो ये इस वजह से ये गैप्स हैं कि ये देखिए कि एक महीने में 17 वीडियो या 17 या 19 वीडियो बनाने के बाद ये कितने पैसे कमा रहे हैं। हम आज दिन के व्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमने ये व्यूज़ इनके लिए टॉप जो करंट वीडियोज़ हैं, टॉप 5 रीसेंट वीडियोज़ को लिया, उनको टोटल किया तो ये बनता है 625,000 इनको व्यूज़ मिले हैं, और इसको 5 में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि इनको पर वीडियो 125,000 व्यूज़ मिल रहे हैं। इसी तरह से इनका देखा, इनको टोटल किया 5 वीडियोज़ को किया तो 5,24,000 और डिवाइड किया 104,000, इसका मतलब है कि इनको पर वीडियो जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, राइट। किचन विद आमना को, तो ये रूबी के किचन को मिल रहे हैं व्यूज़ 104,000। इधर आके आमना का किचन जो है, इनकी वीडियो ये सुपीरियर है कि इनको एक वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, राइट। अभी देखिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके सब्सक्राइबर थे 40 लाख और इनको जो व्यूज़ मिल रहे हैं पर वीडियो 125,000। इनकी इसका मतलब ये है कि 40 लाख सब्सक्राइबर में से जब ये वीडियो पोस्ट करते हैं तो 40 लाख सब्सक्राइबर में से सिर्फ 125,000 लोग इनकी वीडियो को देखते हैं, राइट। और ये कितनी परसेंटेज बनती है, 3.13%, इसको हम 3% डाउन कर लेते हैं। इसी तरह इसका मतलब है कि इनके बाकी जो सब्सक्राइबर हैं 40 लाख में से 125,000 लोगों ने वीडियो देखी और बाकी क्या है वो डेड सब्सक्राइबर, उनको हम कंसिडर करेंगे कि इनकी परसेंटेज 3% निकल रही है, राइट। ओनली 3% सब्सक्राइबर्स इनकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसी तरह रूबी के किचन को देखिए कि इनके 45 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने 104,000 सब्सक्राइबर को एक वीडियो पर एवरेज इनको मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं। तो क्या है इनका 2.31% इनकी परसेंटेज निकलती है। इसका मतलब 45 लाख सब्सक्राइबर हैं और जब ये वीडियो पोस्ट करती हैं उसमें से इनको 1 लाख, उसमें से सिर्फ 2.31% या राउंड कर ले 2% इनको लोग इनकी वीडियो देखते हैं 45 लाख सब्सक्राइबर में से। तो ये हमने एक छोटा सा एनालिसिस दिया जो कि हमें जो फिगर्स हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके चैनल से और सोशल मीडिया से लिए, और इसके अलावा हमें इनके ऑब्वियसली पासवर्ड नहीं पता या इनका कोई अगर कोई इनके स्टैट्स हैं, इनसाइट्स हैं तो वो हमसे अगर कोई अगर ये शेयर करते हैं तो हम बिल्कुल उसको भी एनालाइज कर सकते हैं कि इनका चैनल को कहाँ से देखा जा रहा है, इनके चैनल के जेंडर कौन कौन से हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे, उनकी एजेस क्या हैं, जिसको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। इसके अलावा इनके इनको किस कंट्री से देखा जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें, इनका पीक टाइम क्या है कि किस टाइम पे ये पोस्ट करें ताकि इनके इनको व्यूज़ ज़्यादा मिले। और आप याद रखिए कि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट आवर जिस जब पोस्ट करते हैं उसी में आपने अपने व्यूज़ को अर्न करना होता है, व्यूज़ लेने होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको सेगमेंट वाइज बता दिए कौन सुपीरियर है और कौन पीछे है, और दोनों तकरीबन पैरेलल हैं, तकरीबन आसपास हैं। कुछ चीज़ों में रूबी ऊपर है, रूबी का किचन, कुछ चीज़ों में किचन विद आमना है। आई एम रियली सॉरी आमना और रूबी, अगर आप लोगों को बुरा लगा, लेकिन हमने एनालाइज किया है बिल्कुल एक मेरिट पे आके चीज़ों के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाए भी हैं। तो अगर आप हर्ट हुए हैं तो आई एम रियली सॉरी, माई सिंसियर अपॉलोजीज। तो ये फैक्ट्स हैं आपके ना, स्टैट्स हैं। तो ये है। तो हम किचन विद आमना, तो हम आमना से और रूबी दोनों से कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके इनसाइट्स को उस पर भी हम वीडियो बनाएं, तो उसको भी हम प्रोजेक्ट करें, बताएं कि आपके चैनल में क्या डिजीज़ है, क्या इश्यूज है कि आपका चैनल सिर्फ रूबी आपके चैनल को सिर्फ 2.31% लोग देखते हैं 45 लाख सब्सक्राइबर्स में से, राइट। उसके बाद आमना आपके चैनल को सिर्फ 3.31% लोग देखते हैं, तो क्यों ये परसेंटेज ऊपर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है अगर आप हम अपने स्टैट्स अब से हमसे शेयर करें, इनसाइट शेयर करें,
जो कि आपके स्टूडियो में है, डैशबोर्ड में पड़े होते हैं, या आपके एनालिटिक्स में होते हैं, तो हम आपको एनालाइज करके बता सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि रूबी का किचन की आमदनी क्यों ज़्यादा है, ये हमने आपको शुरू में बताया था। ये देखिए, ये 5 लाख के करीब कमा रही है मंथली, और ये कमा रही है तकरीबन 2 लाख के करीब। उसकी रीज़न हम आपको बताते हैं। रीज़न तो डिफरेंट है, एक तो है कि व्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, 5 लाख इनसे ज़्यादा है, ये 45 लाख है, ये 40 लाख है, राइट। एक तो ये रीज़न आ गया, और व्यूज़ देखिए इनके 70 करोड़ है और इनके 56 करोड़ है। उसके बाद जो मेन इशू है वो ये है कि हमने इनका चैनल दिखाया था आपको, रूबी का किचन, कि ये देखिए ये यूनाइटेड स्टेट से ऑपरेट कर रही है अमेरिका में उधर, और ये आमना जो है वो पाकिस्तान से कर रही है। ये देखिए पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। तो जब आप जो इनकी ऑडियंस है रूबी की, वो US है और दूसरे इस तरह के ममालिक हैं, उधर रेट अच्छा मिलता है, राइट, व्यू करने का। तो पाकिस्तान चूँकि अंडरडेवलप्ड कंट्री है, एक अभी तरक्की की रास्ते में है, तो उसको रेट डिफरेंट मिलता है, कम मिलता है, एक बार। दूसरी चीज़ आप याद रखिए, इसमें क्या इशू हो सकता है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो क्योंकि हमारे पास फिगर्स नहीं है। वो अगर ये अपने स्टैट्स हमें भेजती हैं आमना और रूबी, तो हम वो भी डिस्कस करके बता सकते हैं। उसकी वजह ये है, वो इशू क्या है वो आप सुनिएगा, वो CTR, उसको CTR कहते हैं। CTR इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो क्या है जी, आप सुन लीजिए, रूबी एंड आमना आप भी सुनिए। CTR ये होता है कि मिसाल के तौर पे आमना की, ये तो हम देख रहे हैं कि वीडियो को देख रहे हैं लोग, रूबी की वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि आमना की वीडियो अगर 10 मिनट की या 5 मिनट की है तो क्या है कि लोग कितनी देर वीडियो देख रहे हैं। कोई 1 मिनट बाद बंद कर देता है, 2 मिनट बाद बंद करता है, कोई 30 सेकेंड बाद बंद करता है। इसका मतलब है उनके कॉन्टेंट कितना जानदार है। अगर तो कंटेंट जानदार है तो उनका CTR अच्छा होगा, कि क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, कि उनके चैनल को अगर 5 मिनट की वीडियो आमना बना रही है एवरेज, तो उनका एवरेज ड्यूरेशन क्या है कि लोग 3 मिनट देखने के बाद बंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, अराउंड 50% से ज़्यादा बनता है। इसी तरह कि जो है रूबी का जो चैनल है उनका CTR क्या है, कि उनकी 10 मिनट की एवरेज वीडियो है और उनका एवरेज ड्यूरेशन टाइम क्या है कि लोग 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट देखते हैं, तो एवरेज ड्यूरेशन लेट से हम कहते हैं 6 मिनट है, जो कि 60% बनता है, 10 मिनट का बहुत अच्छा है। CTR एक्चुअल होता ये है कि YouTube क्या करता है कि आमना का चैनल है ये रूबी का, जब ये वीडियो बनाती हैं तो YouTube क्या करता है, लोगों की टाइमलाइन पर 100 पीपल को लेट से वो दिखाता है, ये इंप्रेशन दिखाता है, इनका थंबनेल दिखाता है। उसके बाद कितने लोग क्लिक करते हैं 100 में से, अगर 10 लोगों ने क्लिक करके वो वीडियो देखी है तो इनका CTR हुआ 10%, 100 का 100 में से 10 लोगों ने देखा तो 10%। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी देर वीडियो देखते हैं, 30 सेकंड बाद बंद कर देते हैं, 10 सेकंड या 5 मिनट या 6 मिनट, वो ये इनका एनालिसिस, इनके एनालिटिक्स हमारे सामने हो तो हम फिर बता सकते हैं। होप कि आपको बहुत ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिली होगी, तो आप हमें बताइए, अपना चैनल हमें भेजिए, तो हम उस पर भी एनालिटिक्स बना सकते हैं और ये केस स्टडीज़ हम बनाते रहेंगे। तो नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आप की क्या राय है। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।